एवरीवन, तो आज मैं आई हूँ 35 इयर्स पुराना बर्गर खाने के लिए पुणे में, जो कि है कैंप इसकी लोकेशन। और ये लोग बर्गर में बर्गर बेचते हैं, मतलब इनके कैफ़े का नाम ही बर्गर है। और मेरे को ऐसे था कि कैफ़े का नाम कहाँ लिखा है, लेकिन इन्होंने दरवाजे पे नाम लिखा हुआ था कैफ़े का, जिसका नाम था बर्गर। और इनका मेन्यू और सब कुछ काफ़ी ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप वाइब्स दे रहा था। पंखे भी एकदम पुराने टाइप के होते हैं, जो काफ़ी सही लगता है, आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये वाली लाइट जो कि देखे हुए ज़माना ही हो गया था, पता नहीं टीवी में ही देखे आई थिंक मैंने ये वाली लाइट्स। तो और साथ में ये मेरे दोस्त हैं और हम कर रहे थे काफ़ी मज़े मस्ती, फ़ोटोज़ ले रहे थे। और फिर इस मज़े मस्ती के साथ में हमने किया अपना ऑर्डर प्लेस, जिसमें एक वेज, एक नॉन वेज, कुछ फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई। वेज वाले का साइज़ काफ़ी बड़ा था और प्राइस इसका 80 रुपीज़ था। 80 रुपीज़ में आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा बर्गर कोई देता है। मुझे नहीं पता आपको वीडियो में समझ भी आ रहा है कि नहीं, पर ये बहुत ही बड़ा था। जिसे मैंने खाया, बाकी मेरी कज़न ने खाया, हमारी एक और फ्रेंड ने खाया, हम तीनों के लिए काफ़ी सफिशिएंट था ये। और साथ में मेरा ये भी है कि आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो एक बारी में ही ऑर्डर कर दो, बार बार ऑर्डर करोगे तो नंबर ही नहीं आता, इतनी भीड़ थी। साथ में ये वाला था नॉनवेज बर्गर, जो मैंने नहीं खाया, हम लोगों ने नहीं खाया, एक फ्रेंड ने खाया था, हम चार लड़कियों में से, तो उसे ये काफ़ी अच्छा लगा। और उसने वेज और नॉनवेज को कंपेयर करके भी बताया था, तो उसका था कि मुझे नॉनवेज ज़्यादा पसंद आया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो दोनों ही ट्राई करके देखो। साथ में ये फ्राइज़ भी ली थी, जो कि काफ़ी क्रिस्पी क्रंची थी। मिरिंडा पी, जो कि बहुत सालों बाद में पी, मैंने नहीं पी, बाकी लोगों ने पी, उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। तो आप लोग पुणे में हैं तो ये ट्राई करके देखो, मज़ा ही आ जाएगा।